हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स निवेशक प्रिय साथियों का एक बार फिर से हमारे स्ट्रीम न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज आपके लिए जो हम वीडियो बनाकर लेकर आए दोस्तों, वह वीडियो कमेंटो की है दोस्तों। जैसे कि मौजूदा हालात इस वक्त चल रहे हैं, उन हालातों को आप तक पहुँचाना हमारा एक कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों, इस जिम्मेदारी को पूरे तरीके से हम उठाकर आपके सामने लेकर आए दोस्तों। आपसे हमारा अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो बनाकर लाए कमेंटो की, इसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पैसा क्यों नहीं मिल रहा है और एजेंटों की जिंदगियों पर क्या खतरे मंडरा रहे हैं, ये सब आपके सामने हम लेकर आए हैं दोस्तों। सबसे पहला कमेंट हमारे पास जो भेजा है दिनेश सिंह चंडाल जी ने भेजा है दोस्तों। ये अक्सर हमारे पास कमेंट भेजते हैं और अच्छी से अच्छी जानकारियां भेजते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ विलंब इन्होंने करा था, तो उस विलंब के बाद अब इन्होंने हमारे पास इकट्ठे तीन चार कमेंट भेजे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला कमेंट इनका उठाते हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि एजेंटों की जिंदगी खतरे में है। तो दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जाता, ना नहीं किया जा सकता कि ना जाने कितने ऐसे एजेंट हैं जिन्होंने अपनी सुसाइड कर लिया दोस्तों, अपनी जिंदगी को बेमौत मार लिया। क्यों मार लिया दोस्तों? आप जानते हैं कि एजेंटों ने इतने कलेक्शन की थी, इतनी कलेक्शन की थी कि दोस्तों वो करोड़ों में पहुंच गई थी। तो दोस्तों, ऐसी कलेक्शन वाले एजेंटों की जिंदगी खतरे में इसलिए है क्योंकि दोस्तों पूरी गारंटी के साथ इन्होंने निवेशकों का पैसा इसमें इन्वेस्ट कराया था। तो आज दोस्तों एजेंटों को ये क्या जवाब दें और क्या ना जवाब दें, क्योंकि इस प्रक्रिया को आज से 8 साल से ये चल रही है और 8 साल में हर एजेंट की जिंदगी के साथ खतरा चल रहा है दोस्तों। जाने कितने ऐसे एजेंट दोस्तों गुमराह, हाँ हमसे गुमराह हैं, हमें हम तक उन बताया गया है और कहा गया है कि इतने ही लोगों के हमारे पास डॉक्यूमेंट आए थे पैसे लेने के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट कर दिया गया है। फिर 5,000 वाली प्रक्रिया को चालू करने से पहले उन्होंने A to Z सबके बॉन्ड मंगा लिए थे। तो दोस्तों, 5,6,85,00,000 निवेशकों के वहां पर जो बॉन्ड गए A to Z सारे बॉन्ड गए, उन सारे बॉन्डों की संख्या जो हमारे सामने है दोस्तों वो 4.5 करोड़ से ज्यादा निवेशकों के बॉन्ड वहां पर सबमिट किए गए, जिनमें 5,000 के प्रोसीजर के जो ये झुंझुने को हमारे सामने लाकर पटका है दोस्तों। इस झुंझुने में केवल 2,77,544 निवेशकों को ही पैसा दिया गया और कह दिया कि सबका हो गया। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरीके से शॉर्ट कर दिया जा रहा है। एक ऑनलाइन प्रोसीजर के माध्यम से दोस्तों हम लोगों को कोई भी सूचना नहीं दी जा रही है, केवल पैसे देने की ही सूचना देते हैं कि हमने इतना का दे दिया, उतना का दे दिया। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से निवेशकों को शॉर्ट करके इनको पैसा दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इनकी संख्या को खत्म कर दिया जा रहा है और इनको छोटा कर दिया जा रहा है संख्या को, ताकि बहुत जल्दी निवेशकों की देनदारी करके इतिश्री हो जाए। तो दोस्तों, ये बड़ा घोटाला इस वक्त भारतवर्ष की सरकार के अंदर चल रहा है दोस्तों। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों आज बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि पैसा कम मिलेगा दोस्तों। ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब हम क्या दे सकते हैं दोस्तों। अगला कमेंट हमारे पास दिलाराम ठाकुर जी का है। दिलाराम ठाकुर जी का कहना है, जो कहना है इनका दोस्तों, वो हम सार्वजनिक तौर से नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे मोदी प्रधानमंत्री जी को ऐसी मतलब गाली दी है और ना जाने क्या क्या कहा है। दोस्तों, हम अपनी चैनल की गरिमा को खराब नहीं करना चाहते, इसलिए दोस्तों इस कमेंट का जवाब हम नहीं दे सकते। केवल इतना कहेंगे कि आप लोगों को अगर दिलाराम जी के कमेंट को पढ़ना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं। दिनेश सिंह चंडाल ने फिर अपना एक कमेंट हमारे पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि सेब इतना कम पैसा क्यों दे रही है। तो दिनेश चंडाल सिंह जी, आपने जो हमसे पूछा है कि इतना पैसा कम क्यों दे रही है, तो हमने इसकी जानकारी अभी अभी दे दी है कि इसकी पूरी एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया है जिससे निवेशकों की शॉर्ट करके देनदारी को खत्म किया जाए और देश की जो 15 वो देश की जो इस वक्त 1.25 करोड़ से ज्यादा आबादी है,
तो उस आवाम के सामने ये मैसेज चला जाए कि देखो हमने किसने सही तरीके से चिटफंड कंपनी के ठगे निवेशकों को पैसा दे दिया। लेकिन दोस्तों 15 करोड़ निवेशक जो अदर चिटफंड कंपनियों के फंसे हुए हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी और जिनके लाइसेंस बाकायदा 20-20, 30-30 और 40-40 साल पुराने थे, उनके 15 करोड़ से ज़्यादा निवेशक इस वक्त अपने पैसे को लेकर बहुत परेशान हैं और प्रोसीजर के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। ऑनलाइन को ढाल बनाकर निवेशकों का पैसा हड़प किया जा रहा है। तो दोस्तों इन्होंने आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है, मोदी जी क्या ऐसे ऐसे ही पेमेंट होगा? और हजम कर लिया हो तो बोलो। तो दोस्तों इन्होंने अपने कमेंट के माध्यम से बहुत अच्छी बात इन्होंने हमसे कही है। बहुत छोटे शब्दों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पैसा नहीं मिल पा रहा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज पूरे 4 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाया। इसका क्या मुख्य कारण है दोस्तों? इसके मुख्य कारण को हम नहीं जानना चाहते, सिर्फ ये कहना चाहते हैं आपसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है देश की सबसे बड़ी अदालत होती है और सबको इसके ऑर्डर को मानना पड़ता है। और दोस्तों खास कर करके सुप्रीम कोर्ट का आदेश और उस आदेश को अपंग बनाया गया इस राजतंत्र में, दोस्तों ये एक बहुत बड़ी इस वक्त निवेशकों के सामने समस्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी अदालत है कि इसके बाद कोई आगे चारा नहीं रह जाता। वहां पर साफ साफ कह दिया गया था कि निवेशकों का 6 माह के अंदर पैसा दे दिया जाए, लेकिन दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट को अपंग बना दिया गया, उसके हाथ पैर काट कर धर छोड़ दिया गया है। तो दोस्तों आज निवेशकों के सामने इंसाफ की जो गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और उस सुप्रीम कोर्ट ने इनकी परेशानियों को, इनकी पीड़ा को समझते हुए 6 महीने के अंदर पैसे देने का जो इन्होंने अपना ऐलान किया था दोस्तों, इस ऐलान को किस तरीके से, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई, ये आपके सामने अच्छी तरीके से मौजूद है। बस एक प्रोसीजर के नाम पर जो झुंझुना इस वक्त निवेशकों के सामने बजाया जा रहा है, बस इसी का हम इस वक्त म्यूजिक सुन रहे हैं दोस्तों। अगला कमेंट हमारे पास है दिलेराम जी का। दिलेराम जी ने जो कहा है दोस्तों वो हम आपको बता चुके हैं, और इन्होंने जो मोदी जी के बारे में अपशब्द लिखे हैं, तो दोस्तों हम नहीं चाहते कि आज हमारे कमेंट बॉक्स में मोदी जी को इस तरीके से बुरा कहा जाए। लेकिन दोस्तों क्या किया जाए, निवेशकों की जो परेशानियां हैं और मजबूरियां हैं जो नहीं सुन सकते प्रधानमंत्री जी, तो ये जल के और क्या कहेंगे। हमारे यहाँ कहावत है कि चलो कहावत नहीं सुनाते दोस्तों, कहावत सुनाने से वीडियो लंबी हो जाएगी। सीधे सीधे दिनेश सिंह चंडाल जी से हम ये कहना चाहते हैं कि सर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ और अच्छी जानकारियां दें ताकि हम निवेशकों तक आपकी जानकारियों को पहुंचाएं। और सभी निवेशकों से हमारा यही कहना है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।